हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ मेरा मंडे स्पेशल डिनर शेयर करने वाली हूँ। आज मैं बनाऊँगी चपाती, पनीर, दो प्याज़ा की सब्ज़ी। सबसे पहले मैं आटा गून के रखूँगी। आटा गूंद के इसे आधे घंटे के लिए रख देना है। ये देखिए, मेरा आटा गूंद के अब ऑलमोस्ट हो चुका है। इसे मैं अब साइड को रख दूंगी। इसके बाद अब मैं पनीर बनाने की सब्ज़ी की तैयारी करूंगी। ये मैंने दो टमाटर लिए हैं धो के। इसके बाद मैं एक बड़ा ऑनियन लूँगी, जिसे रफली चॉप करना है। ये ऑनियन कट करने के बाद इसके छिलके तुरंत ही मैं एक बाउल में कलेक्ट कर लूँगी, ताकि बाद में मुझे साफ़ करने में परेशानी ना हो। ऑनियन को हमें रफली चॉप करना है। ऑनियन चॉप करने के बाद मैं तुरंत ही टमाटर रफली चॉप करके रखूंगी। ये सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है और मेरे घर में सबको ये सब्ज़ी बहुत पसंद है। ये देखिए, अब मेरे टमाटर भी चॉप हो चुके हैं। अब मैं एक कढ़ाई और उसमें ऑयल गरम करके उसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। मसाले ऐड करने के बाद मैं इसमें लहसुन 6 से 7 कलियाँ ऐड करूँगी। ये मैंने लहसुन ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं अब ऐड करूँगी ऑनियंस। ऑनियन हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने के बाद इसमें ऐड करना है टमाटर। इसे 5 से 7 मिनट लगेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी टमाटर। ये देखिए, मैंने टमाटर भी ऐड किया है और ये भी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे और 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यह अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और इसे बारीक पीसेंगे। ये देखिए, अब मैंने उसी कढ़ाई में ऑयल गरम किया है और उसमें सब ये मसाला ऐड कर दिया है। इसे हमें ऑयल में फिर से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। ये मसाला कुक होता है तब तक मैं एक दूसरा ऑनियन थोड़ा सा मोटा कट कर लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी।
अब हम इस मसाले में ऐड करेंगे ये प्याज जो मैंने इसे टुकड़ों में कट कर लिया है, इसे मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। और इस प्याज को हमें 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड की है। ये गरम मसाला मैं 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी। उसके बाद 1 टेबलस्पून मैं धनिया पाउडर भी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है। मैं इसमें अब ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मिक्स करने में आसानी हो। इन सभी मसालों को मैं अब 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक करूँगी। ये देखिए ये कुक हो गया है। अब हम पनीर ऐड करेंगे। ये पनीर मैंने 200 ग्राम लिया है। इसे मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। ये देखिए ये प्याज अब कुक हो गया है। अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। और पनीर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर ऐड करने के बाद हमें इसे ज़्यादा टाइम नहीं पकाना है। 1 मिनट के बाद तुरंत हमें गैस बंद कर देना है। साथ में मेरी चपाती और राइस भी बना के तैयार हो गया है। ये देखिए ये मेरा डिनर बिल्कुल तैयार हो गया है। एक सब्जी दोपहर की बची हुई थी वही मैंने ली है। कुछ सलाद लिया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।